16 का सेकंड वीडियो है ये, नहीं फर्स्ट वीडियो हो चुका है। तो अपना सेकंड वीडियो में हम शुरू करने वाले थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से लेके। सबसे पहली बात इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, सुनना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपन लोग पीरियोडिक टेबल से ही शुरू हो जाते हैं। इसके बाद से वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एस ब्लॉक में आते, पी ब्लॉक में आते, डी एंड एफ ब्लॉक में आते, हर जगह आते हैं। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इतना अच्छा पॉइंट है कि एक ही पॉइंट में दो दो पॉइंट्स मिले हुए हैं। इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है वो तुम लोग लिखना घर पे आराम से बैठ के, लेकिन अभी मैं बता देता हूं। इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन, सुनना, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम। सुनना, अब हिंदी में बताता हूं। यहां पे अगर मेरे पास एक गैसियस एटम है, ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, मान लेता हूं दो है, समझ में आने के लिए अच्छा रहेगा। अगर मान लेते हैं ये भी इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, मतलब इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके आउटर मोस्ट में 2 and 7 है, मान लेते हैं 6 है, क्योंकि इसी फैमिली का मान लेता हूं, क्योंकि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का क्या होता है 2 and 8। अगर इस फैमिली की माने तो 2, 8, 8 या फिर 2, 8, 6 है, 16 है। तो ये ऑक्सीजन है और ये सल्फर एटम है, ये ऑक्सीजन एटम है, ये सल्फर एटम है, मान लिया, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि ये एटम को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए दो, ये इलेक्ट्रॉन एटम को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए दो, ताकि वो आउटर मोस्ट कंप्लीट कर पाए। मतलब दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब दोनों को जब इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो स्टेबिलिटी गेन करेगा, मतलब एनर्जी रिलीज करेगा। अगर बातें करूं सोडियम की, सुनना यहां पे मैं थोड़ा डिटेल जाना चाह रहा हूं सोडियम की, तो सोडियम के आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये अब इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाह रहा, ये इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहा है। अब इसको अगर इलेक्ट्रॉन देना होगा तो तुमको इसके साथ जबरदस्ती करना होगा। जबरदस्ती बोले तो एनर्जी देना होगा कि नहीं तू ले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेरा काम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ना, अपन को जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देने का है इसको। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वही मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन के साथ लगाव कितना है। सोडियम का इलेक्ट्रॉन के साथ लगाव है क्या? इल्ले नो, सोडियम चाहता है इलेक्ट्रॉन निकालना, और हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर कितनी है, घंटा है, कहां है, यहां पे एक भी पावर नहीं होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका जीरो होगा, जीरो नहीं, इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमको एनर्जी देना होगा। जब एनर्जी किसी सिस्टम को देते हैं, मतलब ऐड करते हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी होता है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगा। जबकि ये ऑक्सीजन, इसके आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसको दिखाएंगे दूर से ये इलेक्ट्रॉन है, बोले आ जाओ, मतलब ये एनर्जी अपना निकालने के लिए तैयार है। इसको एनर्जी देना तो दूर की बात है, एनर्जी निकालने के लिए तैयार है। अभी देखना यहां पे उसके ऊपर भी चलेंगे आज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अच्छा से खत्म कर देता हूं, ठीक है, कभी किसी लेसन में दिक्कत नहीं होगा। तो यहां पे सिक्स दोनों इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है। अब बातें होंगी किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, तो ज्यादा किसकी होनी चाहिए, सुनना। अब इसकी बगल की बातें कर लो, सिलीनियम की बातें कर लो, तो इसमें भी 2886 है, 2886 है, ठीक है, 2888 नहीं होता है क्योंकि एस ब्लॉक नहीं, पी ब्लॉक है, मैजिक नंबर लिखवाया है, तो 28 यहां पे इसको डिलीट करते हैं, थोड़ा तुम लोग अच्छे से लिखना, 2886 है, ठीक है। तो यहां पे और ज्यादा बड़ा सेल हो जाने की वजह से तो इसका भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन लेने का ही होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जिसकी लेने की टेंडेंसी होती है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव साइन से दिखाएंगे, जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है या फिर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बिल्कुल ही नहीं है उसको पॉजिटिव से दिखाएंगे, मतलब उसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना है। ये इको फ्रेंडली तरीका हुआ। अब बात आ जाती है यहां पे कि सर इन तीनों में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी, तो हम बोलेंगे कि देखो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है। अब बातें आएंगी कौन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच रहा है अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कौन खींचेगा, जिसका साइज छोटा होगा। सर साइज छोटा होगा तो ज्यादा खींचेगा, ये पता नहीं, सुनना, साइज छोटा होगा तो इसकी जो न्यूक्लियस होगी, न्यूक्लियस वो बहुत ही कम दूर से इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए अवेलेबल है, इसकी न्यूक्लियस होगी, ज्यादा दूर से इलेक्ट्रॉन खींचना होगा। इलेक्ट्रॉन कहां देना है, इलेक्ट्रॉन देना कहां है, आउटर मोस्ट सेल को ना, जो आउटर मोस्ट सेल को इलेक्ट्रॉन देंगे, मतलब डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस को उसको कैच करने की क्षमता घटती जाएगी ना, तो उसको कैच करने की क्षमता घटती जाएगी, तो निगेटिविटी डिक्रीज होती जाएगी। एज द साइज इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज इन ग्रुप 16, ये लाइन लिख लेना। इसके बाद से लिखना, देखना यहां पे अगला पॉइंट और इंपॉर्टेंट होते जा रहा है, क्या होने जा रहा है देखना।
ग्रुप 16 है निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्यों होगा ये क्लियर हुआ? निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्यों होगा ये क्लियर हुआ? क्यों होगा निगेटिव गेन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है। इसमें नोट करके एक पॉइंट लिखना, इफ द एटम हैव नो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन देन इट हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इसके बाद वाले पॉइंट में लिखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की पूरी हिस्ट्री खोल कर रख देता हूं यहां पे। ग्रुप 16 की बात ही छोड़ दो, अभी मैं बातें कर लूंगा। द हाईएस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, हाईएस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसका होगा? मतलब पॉजिटिव गेन इंथैल्पी की बातें कर रहे हैं, मतलब सर जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देने की बातें कर रहे हैं आप? ठीक है, मैं बोल दिया, हाँ हाँ यही मैं बातें कर रहा हूं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव किसका होगा, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसको देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए? तो सर इनर्ट गैस, बिल्कुल सही है, जिन लोगों ने इनर्ट गैस सोचा बिल्कुल सही है। अब इनर्ट गैस में भी छोटे वाले को ज्यादा तेजी से ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत है कि बड़े वाले को? इनर्ट गैस में भी कोई ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो उसमें हीलियम जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसकी साइज छोटी है। बड़ी साइज होगी तो आउटर मोस्ट में कहीं से भी ढकेल के दे सकते हैं। ठीक है, तो इधर में पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव है सारे। तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है? तो इनर्ट गैस की, उसमें भी हीलियम की। अब सबसे ज्यादा सुनना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव किसकी होगी, मतलब सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन खींच कर लेगा? कौन खींचेगा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट है कौन? फ्लोरीन। अब सुनना, थोड़ा सा यहाँ केस उल्टा हो जाता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे केसेस उल्टा होता है। वही चीजें समझाने आ जा रहा हूं कि अगले पॉइंट्स में लिखना, ये सब चीजें लिख लेना। सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो पॉजिटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होता है, निगेटिव किसका होता है, ये सब लिखना। थोड़ा सा अपना कॉपी अपने कंप्लीट करना है, जैसा लगे वैसा कंप्लीट करो। देखो यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखेंगे, सल्फर हैव ग्रेटर, सॉरी ऑक्सीजन हैव लेस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, लेस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एज कंपेयर टू देयर ग्रुप्स, ग्रुप मेंबर्स। अब देखना, सबसे ज्यादा सर ऑक्सीजन का ही होना चाहिए था, ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टेलोरियम एंड पोलिनियम ऐसे होना चाहिए था। अभी तो आपने बताया साइज छोटा तो जल्दी खींचेगा, लेकिन यहाँ पे कांड क्या हो जाता है देखना। ऑक्सीजन एक छोटा मॉलिक्यूल है, छोटे मॉलिक्यूल के चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले से भरे हुए हैं। तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ए स्मॉल मॉलिक्यूल्स इट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फैक्टर। जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे वो तो कहेगा आ जाओ, लेकिन उसके पास जैसे ही जाएगा बाकी सब इलेक्ट्रॉन्स हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में है, बोलेगा चल भाग, रिपल्सन। लेकिन बड़ा एटम रहेगा इसके ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन बहुत बड़ा डिस्टेंस में, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे तो बोलेगा आ जाओ, आएगा तो थोड़ा सा एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सल्फर के अगर देखें तो यहाँ 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 ऐसे होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं है। थोड़ा दिखा सकते हो, तो इसमें लिखेंगे ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन The electron density on oxygen is very high, so there is a repulsive factor arises on oxygen atom. This decreases the electron affinity of the oxygen. So sulfur have maximum electron affinity in their period. Oxygen से ज़्यादा sulfur का है, वैसे ही fluorine से ज़्यादा chlorine का है, और ये questions board में बहुत बार पूछा जा चुका है, competitions में भी पूछा जा चुका है। तो इसको थोड़ा सा याद रखना, सबसे ज्यादा निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नॉट फ्लोरीन, इट इज क्लोरीन। आई थिंक क्लियर होगा।